आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 7 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 4.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 12.5% की तेजी देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 27%, 3 महीने में 30%, 6 महीने में 73% और 1 साल के अंदर 166% के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक लगातार एक पॉजिटिव ट्रेड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक अभी देखें तो एक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 156 रुपीज से स्टॉक में एक लाइफ टाइम हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 142 रुपीज। 142 रुपीज के से स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आज के दिन का ओपनिंग का एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं 151 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर के टारगेट 165 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।